नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। पिछले दिनों रीवा के चौराटा थाना अंतर्गत उमरी गांव में प्लेन क्रैश होने की वजह से कैप्टन पायलट की मौत हो गई थी। पॉइंट ट्रेनिंग गंभीर रूप से घायल था, जिसका उपचार रीवा के संजय गांधी अस्पताल में चल रहा। फिलहाल उसकी हालत बेहतर बताई जा रही है। भोपाल से 4 सदस्य, मुंबई और दिल्ली से 2-2 सदस्य दल आ चुका है। जांच प्रारंभ है। हालांकि जांच दल ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। हमने चौराटा थाना प्रभारी से इसके बारे में बात की। हमारा बड़ा सवाल यही है, घने कोहरे की वजह से रात को जब स्कूल की छुट्टी है तो हवाई जहाज क्यों उड़ाया जा रहा था, जिसकी वजह से देश ने होनहार पायलट को खो दिया। प्लेन क्रैश मामले की जांच करने दिल्ली, मुंबई और भोपाल से 3 टीमें पहुंची। घटना स्थल चौराटा थाना अंतर्गत उमरी गांव में, जहां पर प्लेन क्रैश हुआ था। बड़ा सवाल, जब घने कोहरे की वजह से कक्षा 5 तक के स्कूल जिले में बंद हैं, उसमें रात के समय विमान क्यों उड़ रहा था। पिछले दिनों चौराटा हवाई पट्टी के उमरी गांव में विमान गिरने की वजह से मौके पर ही एक पायलट की मौत हो गई थी। दूसरा ट्रेनी पायलट गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसका उपचार रीवा के संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल उसकी हालत बेहतर है। वहीं उक्त मामले की जांच करने के लिए दिल्ली, मुंबई और भोपाल की टीम घटना स्थल पहुंची है। टीम शुक्रवार की शाम रीवा पहुंच गई थी, लेकिन अंधेरा होने के चलते शनिवार की सुबह चौराटा थाना क्षेत्र के उमरी गाँव पहुँच कर जहां पर विमान गिरा था, वहां पर जांच में जुट गई है। ब्लैक बॉक्स सहित अन्य बातों की जांच हो रही है, जिससे पता चले किस वजह से ये दुर्घटना हुई। आपको बता दें, फलकान एम्बिशन एकेडमी का 2 सीटर विमान गुरुवार की रात्रि करीबन 11 से 11:30 बजे के बीच पेड़ में टकराने के बाद मंदिर के गुंबद पर गिरा था, जिसका ऊपरी हिस्सा तोड़ते हुए जमीन पर आ गया था। विमान के पूरी तरीके से परछक्के उड़ गए थे। आवाज सुनकर स्थानीय लोग एकत्र हुए। उन्होंने दोनों पायलट को विमान के मलबे से निकाला था। एक पायलट की मौके पर ही मौत हो गई थी, दूसरा पायलट गंभीर रूप से घायल था। उसको रीवा के संजय गांधी अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया था, जहां उनकी हालत फिलहाल बेहतर है। उक्त घटना के बाद लापरवाही पाए जाने पर ट्रेनिंग एकेडमी के ऊपर कार्रवाई हो सकती है, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। वहीं मृत पायलट के परिजन के रीवा पहुंचने की भी जानकारी मिल रही है, जिसके बाद मृत पायलट विमल कुमार के शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। हालांकि जांच एजेंसियों की पहुंची टीम ने पत्रकारों के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन जाँच बारे में हमने चौराटा थाना प्रभारी अवनीश पांडे से बात की। तीनों टीमें फिलहाल जांच में जुटी हुई हैं। जांच में दो दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। थाना प्रभारी चौराटा हमें बताते हैं, दिल्ली मुंबई से 2 सदस्यों का दल आया है, वहीं भोपाल से 4 लोगों की टीम आई है। कुल मिला के 8 लोग जांच दल के रूप में शामिल हुए हैं। अब जांच कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों की जानकारी एकत्र कर रहे हैं। जानकारी एकत्र करने के बाद ही तय हो पाएगा आखिर इतनी बड़ी दुर्घटना क्यों हुई। हमारा बड़ा सवाल वही है, रात को घने कोहरे में विमान क्यों उड़ाया जा रहा था, जिसकी वजह से देश ने एक होनहार पायलट को खो दिया। जबकि स्कूल भी बंद हैं, घना कोहरा इन दिनों पड़ रहा था। ऐसे में अगर इस बात को नज़रअंदाज न किया जाता तो आज देश एक होनहार पायलट को न खोता। सुनिए चौराटा थाना प्रभारी अवनीश पांडे क्या कुछ कह रहे हैं। जांच टीम आई है, क्या पूरी घटना क्या है? परसों रात में एक यहाँ ट्रेनिंग प्लेन था, वो क्रैश हो गया था। उसकी जांच के लिए दिल्ली से और बॉम्बे से विभिन्न सरकारी एजेंसीज हैं और एक टीम साथ भोपाल से भी आई हुई है। ये सारी टीमें मिल के संयुक्त रूप से जांच कर रही हैं, क्रैश के ऊपर क्या कारण था, किसकी गलती थी या फाग का कारण था, जो भी कारण था उसकी जाँच कर रही हैं। जाँच के उपरांत जैसे भी रिपोर्ट होगी सबको कर दिया गया। ट्रेनिंग पायलट में 2 ही लोग रहते हैं, एक प्रशिक्षु और एक प्रशिक्षण देने वाले। तो जो मास्टर ट्रेनर थे उनकी घटना में मृत्यु हो गई और
जो ट्रेनिंग लेने वाला बच्चा था वो भी इलाज चल रहा है, उसको भी सुरक्षित। एक टीम दिल्ली से आई है, एक टीम बॉम्बे से है और एक टीम भोपाल से। दिल्ली वाली टीम 280 है, बॉम्बे से भी भोपाल से खर्चा है। अभी जांच रिपोर्ट तो इन्वेस्टिगेशन टीम का वही क्लियर करेगी, उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। ताज़ा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।